मैं नासिर हुसैन आप सबका जैन राइजिंग स्टार्स मैं वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लास टेंथ का जो साइंस का सब्जेक्ट्स है, मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस ऑफ एवरी चैप्टर्स का कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, हमें किस में चैप्टर्स में कितनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, आज हम लोग उसी के सिलसिले में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो सब्जेक्ट है दैट इज साइंस और वो क्लास टेंथ का है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस ऑफ एवरी चैप्टर्स। आज हम लोग हर एक चैप्टर्स का एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से कि साइंस का है, साइंस का जो थ्री ब्रांचेस है साइंस का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। आज मैं किसी भी चैप्टर्स को या फिर किसी भी टॉपिक में डिस्कस नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ मैं सारे चैप्टर्स को मैं एनालिसिस करूंगा, एक डीप एनालिसिस होगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। और जो मैं कह रहा हूं आई हैव दिस बुक, ये जो है जो मैं आपको दिख रहा होगा, तो ये इस बुक का जो है ये 2013 से लेकर के 19 तक का और 20 का इसमें जो है सिंपल पेपर सीबीएसई का बना हुआ भी है। मैंने इसमें जो है ये दिल्ली का है, सीबीएसई दिल्ली का भी और बाहर भी दिल्ली का, और मैंने इसको मैंने एनालिसिस किया है। मुझे दो दिन से जब मैंने इसमें एनालिसिस किया तो मैंने सारे चैप्टर्स को देखा, हर एक ईयर का क्वेश्चंस को मैंने देखा, एवरी चैप्टर से देखा, और इस पूरे बुक का एनालिसिस डीप एनालिसिस करने के बाद, रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ चीजें सामने आई है। ये बहुत इफेक्टिवनेस है कि आपको मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए बोर्ड में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपका अभ्यास। स्ट्रेटेजी एंड एनालिसिस ऑफ एवरी चैप्टर, साइंस के तीन ब्रांचेस है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो जितने भी केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या फिर आपका फिजिक्स हो, सबका तीन तीन सेक्शंस में क्वेश्चंस डिवाइडेड रहते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस रहता है उसमें रहता है टोटल क्वेश्चंस आपका 30 रहता है। कितने सॉल्व करने रहते हैं? 30 क्वेश्चंस, लेकिन आपके पास गिवन में रहेगा 36 क्वेश्चंस। 36 क्वेश्चंस इस हिसाब से रहेगा कि आपके पास जो ये 6 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ये होता है इंटरनल चॉइसेस। कौन सा रहता है ये रहता है हमारा इंटरनल चॉइसेस करके रहता है। आपको तो 36 क्वेश्चंस टोटल तो पूछेंगे, लेकिन उसमें से आपको कितने, सिर्फ 30 क्वेश्चंस करने हैं, 6 क्वेश्चन आपका जो इंटरनल चॉइसेस रहता है तीनों सेक्शंस में। ओके, केमिस्ट्री सेक्शन ए से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी का भी सेक्शन ए से पूछा जाता है और फिजिक्स का भी सेक्शन ए से पूछा जाता है। उसी तरह से सेक्शन बी में केमिस्ट्री से भी पूछा जाता है, बायोलॉजी का जो सेक्शन बी से पूछा जाता है, फिजिक्स का भी सेक्शन बी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में केमिस्ट्री, सेक्शन सी बायोलॉजी और फिजिक्स का सेक्शन सी जो हमारा है फिजिक्स है। कुल मिलाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये हमारा तीनों सेक्शन में पूछे जाते हैं। और मैंने क्या किया है कि अब हमें ये देखना है कि जो सेक्शन ए में केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में कितना आता है कौन सेक्शन ए में। चलिए मैंने यहां लिया है सेक्शन ए हमारे पास, सेक्शन ए में अब सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आएंगे, सबसे पहले आएंगे वीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर, ये लगभग एक लाइन का होगा, एक मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का होता है। और फिर इसी में सेक्शन ए में ही वीएसए के साथ साथ आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी, और साथ में असर्शन एंड रीजन जो है, रीजनिंग है वो आपसे पूछा जाएगा, असर्शन एंड रीजन आपसे इतना पूछा जाएगा। और फिर सेक्शन ए से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, इसका मतलब कि सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चंस रहेगा आपका कितना, 30। तो 30 में से सेक्शन ए में कितना पूछा है, सेक्शन सी में सॉरी सेक्शन बी में कितना पूछा है, उसके बाद फिर सेक्शन सी में कितना पूछा जाता है। सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में बात कर रहे हैं। ओके,
अब फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेगा और जो सेक्शन हमारा ए से रहेगा टोटल मार्क्स कितना 20 पूछेगा। अब याद रखो, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में सेक्शन ए में जो कितना पूछा जाता है, वीएसए में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रीजनिंग सेशन में 1। उसके बाद फिर में आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी जो वीएसए से वेरी शॉर्ट आंसर जो रहता है 1 लाइन का, वो भी कितना 2 मार्क्स का। एमसीक्यूज में जो 3 मार्क्स का पूछा जाता है, उसके बाद असेशन एंड रीजन में जो है वो आपसे 1 या 0, 1 भी या भी कभी कभी नहीं पूछा जाता है। उसके बाद फिजिक्स की मैं बात करता हूँ। सेक्शन ए से फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है, देखने को मिला है कितना 4। उसके बाद फिर वीएसए में 4, एमसीक्यूज में 3 क्वेश्चन पूछते हैं, एसेशन एंड रीजन में 1 क्वेश्चन। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना ही रहेगा। अब जरा देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ये फिक्स्ड है, क्या ये दैट इज फिक्स्ड, टोटल मार्क्स आपको तो फिक्स्ड रहेगा, क्या रहेगा फिक्स कि आपका सेक्शन ए में 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन भी रहेगा, एवरी क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। आई बात समझ में? जब मैं टोटल क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स को कह रहे हैं फिक्स जो रहेगा, लेकिन ये जो पूछने का तरीका है ये फिक्स नहीं है। क्या नहीं है? ये फिक्स नहीं है क्योंकि ओवरऑल मिला करके एक एवरेज होता है, कभी ज्यादा कभी कम पूछा जाता है, कभी वीएसए में 2 की जगह 3 ही पूछ सकता है, कभी एमसीक्यूज में 4 की जगह 3 ही पूछेगा, कभी 4 की जगह 1 ज्यादा पूछ सकता है, एसेशन में कभी 1 कभी 2। आगे बात समझ में? तो बायो में वही कहानी है, तो ये नहीं फिक्स नहीं है। जो मैं ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहां से यहां तक का जरा इस स्क्वायर को देख लो, जरा यहां से लेकर के यहां तक, इसमें जो क्वेश्चंस जो पूछे वो फिक्स हमारा नहीं है। क्वेश्चंस कभी वीएसए में 2 पूछेगा, कभी 3 पूछेगा, इसमें आगे पीछे 1 क्वेश्चंस कभी ज्यादा कभी कम, क्योंकि मैं ऑन एन एवरेज जब मैंने इस बुक को जब मैंने रिसर्च किया 2 दिन में, तो तब फिर मुझे कुछ ऐसा पता चला, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो फिक्स रहेगा, ये दोनों फिक्स्ड है। ओके, सेक्शन ए की जगह अब मैं बात करता हूं सेक्शन बी में। किसकी बात करेंगे अब हम लोग? इसका हमने कर लिया तीनों ब्रांचेस का, अब हम लोग सेक्शन बी में एंट्री करते हैं। सेक्शन बी में क्या है? टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल रहेगा। अब इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रहेगा सिर्फ एस ए में रहेगा, मतलब श्योर आंसर टाइप का रहेगा, इसमें एमसीक्यूज नहीं होता है, ना ही तो आपको वीएसए वेरी शॉर्ट में नहीं पूछेगा, ना ही तो एमसीक्यूज में पूछेगा, ना ही तो असेशन एंड रीजन में पूछेगा। आपको सिर्फ कितने में पूछेगा? आपका पूछेगा शॉर्ट आंसर में पूछेगा, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, फिर टोटल मार्क्स रहेगा। सो सेक्शन बी में केमिस्ट्री में जो रहेगा वो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? शॉर्ट आंसर टाइप का, वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से कितने? 3। ये नहीं जरूरी है, फिर मैं कह रहा हूं जो ये वाला पोर्शन जो है, जो मैं ये कर रहा हूं, ये वाला जो डार्क कर रहा हूं, दिस सेक्शन इज नॉट फिक्स्ड बट दिस वन इज फिक्स्ड। जैसे मैंने अभी ऊपर बोला से टोटल मार्क्स 30 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 ही रहेगा, कुल मिलाकर के अभी कभी 10 ही रहेगा। अब 10 रहेगा, अब मैं ये मैं कह रहा हूं इसमें से आपका रहेगा ये कितना शॉर्ट आंसर टाइप में केमिस्ट्री में 3, कभी 3 से कभी 4 भी हो सकता है, कभी 3 से कभी 4 भी हो सकता है। फिर सेक्शन बी में बायोलॉजी से कभी 4 कभी 5 या फिर कभी 3 भी पूछ सकता है। एक फिर मैं ओवरऑल लिया हूं कि मिनिमम एक एवरेज है कि शॉर्ट आंसर टाइप में केमिस्ट्री से इतना क्वेश्चन, बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, ये फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज आपको इसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, हालांकि आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेक्शन बी की मैं बात कर रहा हूं, कर लिया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्या है? अब जो आएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या, एल ए का मतलब होगा लॉन्ग आंसर टाइप का रहेगा ये, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स। जो सेक्शन सी में रहेगा वो तीनों चैप्टर तीनों ब्रांचेस से पूछेगा, केमिस्ट्री से 2 रहता है और फिजिक्स का भी, सॉरी बायो का 2 क्वेश्चंस और फिजिक्स का भी कितना 2 क्वेश्चंस रहता है। कुल मिलाकर के जो क्वेश्चंस रहेगा दैट इज 6 और रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 36 और टोटल मार्क्स कितना रहेगा वो रहेगा आपका 30। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि एक क्वेश्चन पेपर जब सेट होता है उसको
थ्री सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। सेक्शन ए में मैंने ये बोला, सेक्शन बी में मैंने ये बोला, सेक्शन सी में रहा ये रहा। अब टोटल क्वेश्चंस को अगर हम देख लें कि तीनों सेक्शंस से मैंने कितने क्वेश्चंस उठाए, अगर सेक्शन ए से मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, ओके, फिर सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, कितना हो गया, यहां से रहेगा 10, यहां से रहेगा कितना, सॉरी यार 20 और 10 30, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया आपका कितना 6। सो टोटल जो आपका जो क्वेश्चंस रहेगा उस हिसाब से कितना हो गया 36। लेकिन अब तो टोटल क्वेश्चंस हुआ कि नहीं, टोटल क्वेश्चंस 20, टोटल क्वेश्चन 10, 20 और 10 30, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लोग मैं तीनों सेक्शंस के मैं मिला के मैं बात करूं, कुल मिला गया 36। तो आप पूछोगे कि 30 पूछा जाता है, इसीलिए जो मैंने 6 जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो होता है वो रहता है हमारा इंटरनल चॉइसेस करके रहता है, और करके कि इसमें से दो रहेगा उसमें से एक करो, इसलिए वो 36 यहाँ पे आ रहा है। लेकिन इन्हीं 36 में से आपको कितने को करना होगा, आपको उस हिसाब से रहेगा 30 क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन आपको जो एग्जाम में दिया जाएगा वो जाएगा 36, इसमें से 6 जो है इंटरनल चॉइसेस रहेगा। ओके, ऑनेज एवरेज की हम लोग बात कर लेते हैं, कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लें, अब आ जाते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग मैंने स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है कि कौन कौन जो हमारे सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, टोटल मार्क्स क्या रहता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह का रहता है मैंने बता दिया। अब बारी आती है एनालिसिस ऑफ चैप्टर्स, अब हम लोग चैप्टर्स को देखेंगे कि केमिस्ट्री का अगर 5 चैप्टर्स है तो उस 5 चैप्टर में से कौन कौन चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कितने क्वेश्चन तो मैंने तो बता दिया लेकिन कितने मार्क्स का पूछा जाता है, इसका मतलब एक चैप्टर जो रहता है कितने मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से, क्योंकि मैंने पहले केमिस्ट्री लिया और अब 10th की जो बुक है पहले केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री नेम ऑफ चैप्टर्स का मैंने ये लिखा है और साथ में उस चैप्टर का टोटल मार्क्स, टी मार्क्स का मतलब टोटल मार्क्स। तो पहला चैप्टर जो रहता है केमिस्ट्री का वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, इसका मैं वीडियो में डाल भी चुका हूं। केमिकल रिएक्शन से जो रहता है 5 to 6 मार्क्स का, क्या रहता है 5 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर भी ये क्या कंफर्म नहीं पूछा जाएगा, नो, क्या होता है कभी कभी 6 की जगह 7 भी पूछेगा, कभी 5 की जगह 4 भी पूछेगा, तो वो डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस के हिसाब से ही मार्क्स का काउंटिंग की जाती है कि नहीं। ओके, तो ओवरऑल जो इतना पूछा जाता है कि आपको केमिकल रिएक्शन से 5 से 6। ओके, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2, उससे 3 to 4 मार्क्स पूछा जाता है, 3 मार्क्स या ज्यादा ज्यादा 4 मार्क्स, हो सकता है कि कभी 4 से 5 भी हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है, इसीलिए एवरेज में बता रहा हूं, मैं बार बार में नहीं बोलूंगा औसत चैप्टर से, मैं सिर्फ जहां पे मैंने बताया था फिर मैं यहां बता दे रहा हूं। अब आता है चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में 8 to 6 इतने मार्क्स का पूछा जाता है, फिर आगे पीछे कुछ हो सकता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो 4 to 5। अब मैं बताऊंगा जब मैं इस चैप्टर्स को मैं बताऊंगा कि आखिर कार्बन इन इट्स कंपाउंड या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से कहां से क्वेश्चंस, जब मैंने इस चीज को जब मैंने रिसर्च किया है तो मुझे कुछ पता चला है कि कौन सा चैप्टर्स का कौन से टॉपिक से कितना कहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जब मैं चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मैं उन टॉपिक्स को मैं मेन में फोकस करूंगा जिसका अक्सर पिछले 8 to 7 ईयर्स में पूछा गया है। आगे कार्बन इट्स कंपाउंड से 4 to 5 मार्क्स पूछा जाता है, पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन है यह भी 4 से कभी 6 भी पूछा जाता है, कभी 6 भी पूछा जाता है, कभी 5 भी पूछा जाता है। इसका मतलब ये आ गया कि आखिर केमिस्ट्री से टोटल ओवरऑल आप जब मिला लेंगे आप टोटल मार्क्स, जब आप मिला लोगे पूरा केमिस्ट्री का पूरा जो कितने मार्क्स पूछा जाता है लगभग ये आपका 26 से लेकर के 27 आ जाता है, 26 से लेकर के 27 जो केमिस्ट्री से है, मैं केमिस्ट्री की मैं बता रहा हूं, टोटल मार्क्स जो 26 से लेकर के 27 पूछा जाता है, क्योंकि साइंस है ना, दैट इज मूवी,
मूवी है, और इस मूवी में जो एक्टर्स है ना वो कौन है? दिस ये तीन एक्टर, एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये फिजिक्स एक्टर है, और इन सबका कैरेक्टर भी होता है, उसी कैरेक्टर के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि मूवीज हिट होंगी क्या। तो उसे आपको कैरेक्टर को ढूंढना है, और उसका डायरेक्टर पता कौन है? इसका डायरेक्टर है सीबीसी। कौन है? इसका डायरेक्टर है सीबीसी। सीबीसी कैसे देगा? डायरेक्टर के हिसाब से चल रहे मूवी, मूवी हिट होना नहीं होना वो डायरेक्टर के हाथ पे है, कैसे वो डायरेक्ट करता है मूवीज को, उसी तरह से इसने मैंने बता दिया। तो उसके बाद आ जाते हैं इतना पूछा है और क्या किया, ये डायरेक्टर साहब है ना, डायरेक्टर मतलब सीबीसी वाले, इन तीनों को लगभग इक्वली मान लिया है कि भाई हमने तीनों का ना इक्वली रोल देंगे, क्या देंगे, तीनों का हम इक्वली रोल देंगे, इसका मतलब हम लोग तीनों से लगभग इक्वल मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने क्या बोला, टोटल मार्क्स है केमिस्ट्री कितना 26 and 27, कभी कभी 28 भी हो जाता है, इसीलिए अगर सबका आप देखोगे 27, 28, 27 इतना ही तीनों का पूछा जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू द फिजिक्स की मैं बात करता हूँ, केमिस्ट्री में फिजिक्स, फिजिक्स में जो है ना यूनिट्स में डिवाइडेड किया गया है, यूनिट्स का मतलब होता है 3 units, ये 34 मार्क पर लेना, ये है 3 units, क्या ये फिजिक्स में 3 units है। पहला यूनिट का नाम है नेचुरल फेनोमेना, क्या है नेचुरल फेनोमेना, जो कि नेचुरल ऐसी चीज जो नेचुरली होता है, इसमें कोई इंसान का हाथ पैर नहीं है, इसमें इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे नेचर में दिया गया है, जैसे मेरी आंखें हैं, ये नेचुरल है, किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आंखें कैसे काम करती है, इनका जो इमेजेस कैसे होता है, इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसके क्या क्या फिर हम इसको रिकवरी भी कर सकते, फिर ट्रीटमेंट क्या है उनका, इसके बारे में। नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना जो 3 units है, इस पूरे यूनिट से जो पूछा जाता है वो आपका 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है, कितने 10 to 12 मार्क्स का इस यूनिट से पूछा जाएगा। इस यूनिट में 2 चैप्टर है, नेचुरल फेनोमेना जो है एक यूनिट का नाम है, इस यूनिट में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या लाइट में 7 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है 7 to 8 पूछा जाता है। इसका वजह है कि आखिर हम फिजिक्स में इतना मार्क्स का क्यों ज्यादा होता है, केमिस्ट्री में कहीं ज्यादा कहीं कम, क्योंकि इसमें चैप्टर कम है, इसमें चैप्टर ज्यादा, एक मात्र ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने क्या बोला, तीनों एक्टर जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है, जो डायरेक्टर जो सीबीसी, सबको इक्वल रोल दिया है। लाइट का 7 to 8 मार्क्स, फिर ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड है वो 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर ये 4 और 5 कहां कहां से मिल जाता है फिर मैं आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, कम है, जब छोटा है तो सिर्फ कभी जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज, नेम ऑफ पार्ट्स, कभी कभी वो 5 मार्क्स को कभी कभी चिपका देते हैं। ओके बच्चे, अब आ जाता है फिर फिजिक्स का सेकेंड यूनिट में चलते हैं, उस सेकेंड यूनिट का नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट, कुल मिलाकर के करंट की बात करता है। जब आप चैप्टर्स जब आप देखोगे उसमें मिलेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का काम है, अब मैग्नेटिक जो इफेक्ट्स है चैप्टर हमारा उसमें वो भी करंट से रिलेटेड है। सो इफेक्ट्स ऑफ करंट में एक यूनिट का नाम है, उसमें 2 चैप्टर्स आता है, एक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसे इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी में 7 to 8 मार्क्स पूछा जाता है, फिर आगे कभी कम हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 7 to 8। मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में 4 से 5 पूछा जाता है। अब उसके बाद जो कुल मिलाकर के जो अगर आप इसको देखोगे यूनिट सेकेंड में यहां भी लगभग 10 से लेकर के 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स पूछे जाते हैं यूनिट सेकेंड में। सारी बात समझ में? अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट थर्ड में, यूनिट थर्ड में सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यूनिट थर्ड में सोर्सेस ऑफ एनर्जी मैंने लिख दिया है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें एक ही चैप्टर है, नाम ही है चैप्टर का, वो किसमें 3 to 5, कभी 3 से 5 पूछा जा सकता है, कभी 3 से 4, 3 मार्क्स 4 मार्क्स या 5, तीनों में से एक मार्क्स पूछा जाता है। सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी इतना आ गया। सो अब मैंने बोला कि जो आपका जो टोटल मार्क्स है वो आपका कितना है 26 से 27, कभी 28 भी पूछा जाता है। उसी तरह से फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल
टोटल मार्क्स अगर मैं फिजिक्स से कितने पूछे जाते हैं, लगभग ये भी 27 से 28 ऊपर लिख दिया, 27 से लेकर के 28 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी से जो मैंने लिखा नेम ऑफ चैप्टर्स फिर टोटल मार्क्स, तो पहला चैप्टर है बायो का वही लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से 6 to 8 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 6 से 8 मतलब 6 और इसी के बीच में रहता है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो पूछा जाता है वो 8 to 10, क्योंकि ये दोनों को दोनों क्या है एक हिसाब से एक लॉन्ग टॉपिक्स इसमें है, इंक्लूडिंग हाउ टू ऑर्गेनिज्म इसमें भी है। सो इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो मार्क्स है वो पूछे जाते हैं, मार्क्स जो पूछे जाते हैं। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो उसमें जो रहता है वो 9 से 10, इसका 9 to 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से जो पूछता है क्वेश्चन वो है आपका 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद इन्वायरमेंट की मैं बात कर लूं उसमें भी 3 to 4। अब मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं 2 या 3, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सवाल तो पूछे नहीं जाते हैं, या क्या करना है आपको 2 से 3, हालांकि एक ही क्वेश्चन मोस्टली इसमें पूछे जाते हैं, इसमें कभी कभी 2, कभी कभी इसमें एक ही पूछे जाता है, वो भी किसमें सेक्शन बी में 3 मार्क्स वाला। ओके, तो फिर जो मैंने बता दिया एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने बता दिया, और जो इसका जो बायोलॉजी का जो टोटल मार्क्स अगर आप जब जोड़ोगे ना, टोटल मार्क्स ऑफ बायोलॉजी का एक अलग से आप कहीं लिख लेना, या फिर मैं इसी के सामने में ही लिख देता हूं, टोटल मार्क्स लगभग जो ये पूछे जाते हैं आपको 27 to 28 मार्क्स का ये पूछा जाता है। उसी तरह से आपका 27 अगर मैं बात कर लूं फिजिक्स का भी कभी 27 से लेकर 28 पूछे जाते हैं। इस तरह का हो गया कंप्लीट एनालिसिस। इससे ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने बताया कि इसमें कितने टोटल मार्क्स है, टोटल क्वेश्चंस हैं, मैंने इस 27 से 28 इसमें पूछा जाता है, फिजिक्स में भी 27 to 28, और मैंने बता दिया केमिस्ट्री का 26 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने बताया है इनसे आपको जो चैप्टर्स के सारे नाम भी याद हो गए, सारे यूनिट्स के भी नाम हो गए, बायोलॉजी से क्वेश्चंस को कैसे कैसे पूछा जाता है। अब जो मैंने लिखा है प्लीज इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आपको नोट्स करना है, इसको एक से इस वीडियो को प्लीज आप 1 से 2 बार देखें, ये बहुत ही परफेक्ट है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग या फिर होम ट्यूशन से चीजों को समझ सके, जब मैंने जितनी अच्छे इजी वे में मैंने बताया उसी तरह इजी वे में मैं सारे चैप्टर्स को भी मैं पढ़ाऊंगा। अब आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखना है, और जो मैंने इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 1st चैप्टर, तो उसको भी देख लेना, और फिर मैथ का भी मैं ही पढ़ाता हूँ, आप मैथ का भी अगर आप देखना चाहें तो इसी तरह से मैंने जो स्ट्रेटेजी है मैंने मैथ का भी मैंने इसी हिसाब से मैंने बताया है, एवरेज चैप्टर्स का मैंने एनालिसिस किया है, जैसे कि मैंने इससे पहले जो मैंने आपको बुक शो किया तो मैथमेटिक्स का मेरे पास भी है, तो उसको भी मैंने 2 दिन से लगभग उसमें मुझे टाइम लगा, मैंने बहुत अच्छे से मैंने रिसर्च किया है, तब फिर मैं इस आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।